नमस्कार, बस्तर वार्ता में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण के प्रति जागरूकता के लिए बहुत सारे प्रोग्राम कराए जाते हैं, जिससे लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक हो सके। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के लैलूंगा क्षेत्र के एक युवा ने लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए साइकिल से छत्तीसगढ़ के 33 जिले के भ्रमण पर निकले हुए हैं। वे चौक चौराहे तथा स्कूलों में रुककर लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक कर रहे हैं। वे करीब 62 दिन से इस यात्रा पर हैं और करीब 26 जिलों तक यात्रा कर चुके हैं। हमारे साथ मौजूद है 2587 किलोमीटर की यात्रा साइकिल से कर चुके और अभी भी यात्रा कर रहे हैं। आइए हम सीधे उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार सिदार है। मैं कमरगा गांव लैलूंगा ब्लॉक रायगढ़ जिला का रहने वाला हूं। भैया, कैसे ख्याल आया कि छत्तीसगढ़ का यात्रा करना चाहिए, वो भी साइकिल से? मेरा पहले से ही सोच था कि मैं साइकिलिंग करूंगा करके। पूरे छत्तीसगढ़ को मैं साइकिल से देखना चाहता था। काफ़ी लोगों को देखा साइकिल से यात्रा करते हैं, लेकिन कोई एक मोटिव लेके, एक संदेश लेके नहीं जाता, कोई एक उपदेश के साथ साइकिलिंग नहीं करता। बस एक ही पर्पस रहता है उनका कि वो बहुत सारे लोग किए हैं मतलब मोटिव के साथ, लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ मतलब हर जिले पर जा कर के किसी एक मैसेज को देना, मैं सोचा कि मैसेज के साथ चलो पूरे छत्तीसगढ़ में। क्या पर्पस है इस यात्रा का, हमारे दर्शकों को बताएंगे? मैं लोगों को कहना चाहूँगा कि जो भी वीडियो देख रहे हैं, तो एक बात ये है कि आने वाला समय के लिए अपना पर्यावरण को नहीं बचाएंगे तो हमें इसका बहुत बड़ा मतलब परिणाम देखने को मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ कि एक व्यक्ति अगर एक साल में एक पेड़ लगाता है तो वो काफ़ी है, लेकिन अभी हमने देखा है पीछे 25 से 30 साल के अंतराल हमारा आसपास का वातावरण बहुत ही अच्छा था, लेकिन अभी कुछ दिनों के बाद हम देख रहे हैं कि अपना आसपास का वातावरण को काट के समाप्त किया जा रहा है, ध्वस्त किया जा रहा है, अधिक से अधिक दोहन किया जा रहा है। तो ऐसे में हमारा आने वाला समय में हमारा पर्यावरण ही नहीं रहेगा तो हमारा जीने का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि पर्यावरण से ही जीवन है। क्योंकि हम जितना कार्बन छोड़ते हैं उससे कई गुना ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, लेकिन अपने एक व्यक्ति का जीवन जितना ऑक्सीजन लेता है उससे कई गुना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, लेकिन अपने जीवन में एक पेड़ लगा नहीं पाता। कई लोग ऐसे होते हैं और कई लोग लगा रहे हैं हजारों पेड़, फिर भी वो कम है। अभी तक इस यात्रा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कितनी मुश्किलों का अभी तक आपने सामना किया है, कैसा एक्सपीरियंस है, इसके बारे में थोड़ा शेयर कीजिए। कहना चाहूँगा मैं कि यात्रा के दौरान मुझे काफ़ी सारे तकलीफें भी हुई और काफ़ी अच्छा भी लगा यात्रा में। मुझे कई लोग सपोर्ट भी किए, मुझे अच्छा लगता है। अगर कोई मुझे पूछता है कि भाई कहाँ से आए हो, कहाँ के हो, कहाँ जा रहे हो, क्या आपका पर्पस क्या है, ऐसा करके कोई पूछते हैं तो मुझे लगता है कि मुझे कोई समझने वाला है, मेरा मोटिव को सुनने वाले हैं, तो मैं वहाँ बता पाता हूँ। एक्चुअली कई जगह मैं बताना चाहा लेकिन वहाँ अच्छा से रिस्पांस नहीं मिल पाया, इस कारण मैं बीच में बताता नहीं हूँ, क्योंकि पहले से बताने से अच्छा रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है। इस कारण मैं जब पूछते हैं तो बता पा रहा हूँ और स्कूलों वगैरह में जाके मोटिव कर रहा हूँ बच्चों को, ताकि वही हमारे भविष्य हैं, बच्चे ही आने वाला समय का भविष्य हैं, तो उनको बताना ज़रूरी समझता हूँ। जब आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं तो किस प्रकार का रिस्पांस लोगों से आपको मिल रहा है? बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहे हैं। वो बता रहे हैं कि आने वाला समय में हम काफ़ी ज़्यादा आपके मतलब जो यात्रा है इसके उपलक्ष में हम काफ़ी पेड़ लगाएंगे, आने वाला समय में हम वनों की देखरेख करेंगे, कई जगह कैंप वैम्प चलाएंगे, बता रहे हैं। अपने यात्रा के बारे में हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आपने कहाँ से अपनी यात्रा शुरू की, अब तक कितने किलोमीटर चल चुके हैं? मैं यात्रा अपने कमरगा गांव लैलूंगा ब्लॉक रायगढ़ जिला से स्टार्ट किया। रायगढ़ से जसपुर गया, जसपुर बलरामपुर सरगुजा सूरजपुर कोरिया मनेन्द्रगढ़ पेंड्रा गौरेला कोरबा जांजगीर चांपा बिलासपुर, ऐसे करके मैं ये आज 62 दिन में मैं पहुंचा हूं नारायणपुर, और अभी तक समथिंग मैं 2587 किलोमीटर साइकिलिंग कर चुका हूं। और यात्रा के दौरान मुझे काफ़ी लोग मिले कि अपने यात्रा में उन्होंने बहुत ही
हेल्पफुल रहा, तो उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो मेरा हेल्प किए और मुझे समझा उनको। आज नारायणपुर में आप मिले, मुझे अच्छा लगा मिलके आपसे, और यहाँ के नगरवासियों ने मुझे स्वागत भी किया, उनका मैं दिल से आभारी रहूँगा। रोजाना कितने किलोमीटर आप यात्रा करते हैं? ये तो नहीं कह सकता कि मैं आज 30 किलोमीटर, कभी 50, 60, 70 ऐसा चल ही ले रहा हूँ। कभी ज़्यादा भी हो जाता है, कभी कम भी हो जाता है, मैक्सिमम 50 तो कर ही ले रहा हूँ। क्या कुछ टारगेट होता है, कहाँ रुकना है, क्या कुछ खाना होता है, कुछ निर्धारित होता है क्या ये सब? ये सब तो निर्धारित नहीं होता है, मतलब चलते जाते हैं अपन आगे आगे की ओर जैसे बढ़ते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि जो बोल दिया उनके यहाँ भोजन पानी हो जाता है व्यवस्था, मतलब दोपहर के टाइम में कहीं पहुँचे हैं तो वहाँ बता नहीं सकता मैं किसी को कि यहाँ अभी पहुँच रहा हूँ ऐसा करके, क्योंकि कई बार ऐसा हो रहा है कि बीच में स्कूल मिल जा रहा है तो स्कूल भी घुस जाता हूँ, तो कहीं लोग बाग मिलते हैं तो बताते हुए लेट हो जाता है, एक फिक्स टाइम कहीं भी अरेंज नहीं हो पा रहा है। घर वालों का क्या रिस्पॉन्स था जब आपने कहा कि मैं साइकिल से छत्तीसगढ़ की यात्रा पर निकलूँगा, तो उनका क्या कहना था? घर वालों का कहना था कि तुम अकेले कर रहे हो या ग्रुप में कर रहे हो, पहले तो ये पूछे, फिर बाद में अनुमति दिए मैं अकेला कर रहा हूँ करके। तो कई बार ऐसा होता है कि घर वाले अनुमति नहीं दे पा रहते हैं, तो मैं 2-3 बार रिक्वेस्ट किया उनको कि मैं छत्तीसगढ़ साइकिल से यात्रा करने वाला हूँ और छत्तीसगढ़ दर्शन करके आऊँगा साइकिल से ही, ऐसा करके बताया तो उन्होंने कहा कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कवर करना। कड़ाके की ठंड में आप इस यात्रा पर निकले हुए हैं, तो क्या कुछ व्यवस्थाएं आपने इस बीच कर रखा है अपने लिए? हाँ, मैं अपने लिए कंबल और चादर, ओढ़ने बिछाने का पूरा सामान लेके रखा है, स्वेटर वगैरह सब चीज़, गर्म कपड़ा वगैरह पूरा चीज़ मैं लेके चला हूँ घर से, बहुत सारे चीज़ें हैं। अभी मैं साइकिल पे लोड था तो इस रूम में रुका हूँ, तो अभी यहाँ निकाल दिया हूँ, बाकी जितना भी लगता है डेली यूज का सामान टोटल लेके चला हूँ। लोगों का अब तक कैसा रिस्पॉन्स मिला है आपको? लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, आगे भी ऐसी ही अपेक्षा है मुझे कि आने वाला समय के लिए अपना इन्वायरमेंट को सेव करके रखें, पर्यावरण को बचाएं और अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और कम से कम प्लास्टिक का उपयोग करें, ताकि हमारा आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रहे और पोल्यूशन कम हो। आगे के आपके क्या टारगेट्स हैं? छत्तीसगढ़ की यात्रा लगभग पूर्ण होने वाली है, केवल सभी 7 जिले और बचे हुए हैं, 26 जिले की यात्रा आपने कर चुके हैं, आगे आपके क्या टारगेट्स हैं, आगे आप कहाँ की यात्रा पर जाएंगे? अभी तो कह नहीं सकता, मुझे अभी केवल छत्तीसगढ़ तक ही फोकस करना था, मैं छत्तीसगढ़ फोकस किया हूँ, इसके बाद देखता हूँ अगर हो पाएगा, अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिला छत्तीसगढ़ में तो इस मैसेज को पूरे इंडिया लेवल तक लेके जाने का है। धन्यवाद। ये थे प्रमोद कुमार सिदार, रायगढ़ जिले के लैलूंगा निवासी। इन्होंने लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए साइकिल की यात्रा पर निकले हुए हैं। अब तक इन्होंने कुल 62 दिनों में 26 जिलों की यात्रा कर चुके हैं और करीब 2587 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुके हैं। लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने का उनका जो जज्बा है, मैं उनको सलाम करता हूँ। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हो तो आप हमारे YouTube चैनल बस्तर वार्ता को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।